हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने पूर्व कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री एवं निगम के पूर्व प्रबंधक निदेशक पर एचआरटीसी प्रबंधन पर व्हीकल परचेज कमेटी को दरकिनार कर जरूरत से अधिक बसें खरीदने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने बसों की खरीद में घोटाले होने का भी दावा किया, सरकार से विजिलेंस की मांग की है। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने एचआरटीसी प्रबंधन पर व्हीकल परचेज कमेटी को दरकिनार कर जरूरत से ज्यादा बसें खरीदने के आरोप लगाए हैं। ये आरोप संघ पिछले कई महीनों से लगा रही है, लेकिन अब भाजपा सरकार सत्ता में आते ही हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने बसों की खरीद फरोख्त पर घोटाले होने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार से परिवहन मंत्री एवं निगम के पूर्व प्रबंधक निदेशक के व्हीकल परचेज कमेटी को दरकिनार करके बसों को खरीदना, जबकि कमेटी को इस खरीद से दूर रखा गया है। शंकर ने आरोप लगाया कि इन बसों की खरीद में घोटाला हुआ है और संघ ने भाजपा सरकार सत्ता में आते ही इस घोटाले की जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की है। जो बसों की खरीद फरोख्त हुई है परिवहन मजदूर संघ, उस खरीद फरोख्त में पहले से ही हेरा फेरी के आरोप लगाता रहा है और वो जो बसें खरीदी गई है एचआरटीसी की जो व्हीकल परचेज कमेटी बनी थी उसको दरकिनार करके पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व प्रबंधन निदेशक अशोक तिवारी की मिली भगत से उसमें घोटाला हुआ है और हमने सरकार के सत्ता संभालते ही हमने आदरणीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से इसकी विजिलेंस जांच की मांग की है।